नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीधे आपको प्रयागराज से खबर बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक और अशरफ की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा कोर्ट। पुलिस ने मामले में 14 दिनों की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां अतीक और अशरफ की आज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, थोड़ी देर में कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड की मांग की है। आपको बता दें, लगातार अतीक अहमद और उसके परिवार पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने आज अदालत में कहा है कि उमेश के कत्ल की साजिश को बेनकाब करने के लिए उन दोनों से पूछताछ करनी है, इसीलिए कस्टडी रिमांड मांग रहा हूं। पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। एक और एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में, अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां अतीक का बेटा असद ढेर हो चुका है। आपको बता दें, लगातार असद, उसकी बीवी शाइस्ता प्रवीण लगातार फरार चल रही थी, जिसमें अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद के बेटे अशद का एनकाउंटर हो चुका है। एक तरफ जहां आज सीजीएम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, वहीं अतीक के बेटे अशद का आज एनकाउंटर हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहा है, यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, अतीक के बेटे अशद का एनकाउंटर हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार असद फरार चल रहा था। मामले में आरोपी है असद, साथ ही कई शूटर भी फरार चल रहे थे। वहीं अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया है। आपको याद होगा, बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कहा था कि यूपी में माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इसी कड़ी में एक और एनकाउंटर सामने आई है, एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड में जहां अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया, यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। आज जहां अतीक और उसके भाई अशरफ की सीजीएम कोर्ट में पेशी हो रही है, अभी थोड़ी देर में फैसला आना है। वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, काफी समय से फरार चल रहा है असद को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ आज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल लगी। अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। लगातार माफिया अतीक अहमद और उसके भाई एनकाउंटर का डर जता रहे थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या है पूरी खबर? अतीक के बेटे अशोक का एनकाउंटर हो चुका है। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि 5 लाख के दोनों इनामी हैं, जिसमें अतीक का बेटा असद है और उसके अलावा गुलाम मोहम्मद, जो शार्प शूटर असद का बेहद नज़दीकी बताया जाता है, दोनों लोगों को झांसी जिले में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इतना ही नहीं, उनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही दिनकर, इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि असद के बारे में पहले पुलिस को इतना मिली थी कि वो दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था, लेकिन जब तक दिल्ली एसटीएफ उसे वहाँ दबोचने के लिए पहुंची, तब तक वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन लगातार यूपी एसटीएफ और प्रयागराज की पुलिस अलग अलग इलाकों में इनकी तलाश कर रही थी, और जैसे ही आज झांसी में इनके छिपे होने की जानकारी एसटीएफ को मिली, एसटीएफ ने ना सिर्फ इन्हें ललकारा बल्कि जवाबी कार्रवाई भी की। असद, बताया जा रहा है कि असद और गुलाम के अलावा कुछ और लोग भी, कुछ और बदमाश भी इनके साथ थे, और दोनों पक्षों में गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर हुआ है। जी बिल्कुल, दोनों लोगों को मारा गया है, मुठभेड़ में मार गिराया है यूपी एसटीएफ ने। दोनों पर ही पहले 2.5 लाख का इनाम यूपी एसटीएफ की तरफ, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के अधिकारियों की साझा
रणनीति के तहत हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो पहले 2.5 लाख का इनाम इन दोनों बदमाशों पर घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है, इसमें मुठभेड़ के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या राहुल इसकी सूचना पुलिस को पहले से थी मुखबिर की सूचना पे, या पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर अचानक ये वारदात हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं दिनकर कि इस पूरे मामले में ना सिर्फ यूपी पुलिस लगी हुई थी, यूपी एसटीएफ भी लगी हुई थी और कई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए ली गई थी। गृह मंत्रालय से भी मदद मांगी गई थी और ये साझा जो कोशिश हो रही थी ये उसी का नतीजा है कि अचानक झांसी के बारे में पुलिस को सूचना मिली और इन लोगों के छिपे होने की सूचना मिली। जैसे ही जिस इलाके में ये छिपे हुए थे पुलिस की टीम ने घेराबंदी की, घेराबंदी के बाद इन्हें पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग हुई जिसमें पुलिस के भी कुछ जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा आसाद और राहुल जो खबर सामने आ रही थी कि अतीक का भी आसाद शायद नेपाल पहुंच, दोनों लोगों को गंभीर हालत में लेकर अस्पताल गई थी, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस घटना में कितने पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। जी राहुल, यानी कि जो खबर सामने आ रही थी, चल रही थी इतने दिनों से कि अतीक का बेटा शायद नेपाल चला गया है, लेकिन वो प्रदेश में ही था। और याद आपको होगा बजट सत्र के दौरान योगी ने कहा था, सीएम योगी ने सदन में, कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। तो क्या आज ये बात सच साबित हो गई है? बाकी शूटर को कब इनकाउंटर किया जाएगा? देखिए अभी इस मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से 2 लोग आज मुठभेड़ में मारे गए हैं। 3 की तलाश अभी भी यूपी एसटीएफ और सरकारी एजेंसियों को है, लेकिन अभी अभी इस मामले में यूपी एसटीएफ के एडीजी का बयान आया है। एडीजी ने साफ कर दिया है कि मारे गए दोनों बदमाशों के पास से विदेशी हथियारों की बरामदगी हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि विदेशी हथियार कौन कौन से हैं और कितनी बरामदगी हुई है, कितनी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया दिनकर इस एनकाउंटर के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। इन दोनों लोगों को जब मुठभेड़ के दौरान गोली लगी इन्हें भी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। जी दिनकर, यानी एक एक करके चुन चुन कर जो उमेश पाल के हत्याकांड में सभी का एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि विदेशी राइफल विदेशी गन के साथ थे, यानी वो तैयारी में थे कि किसी भी वक्त एनकाउंटर हो सकता है, जवाबी कार्रवाई के लिए औसत तैयार था? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है दिनकर। ये एनकाउंटर देश की राजधानी दिल्ली में भी हो सकता था। जैसा मैंने बताया कि कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि असद और गुलाम मोहम्मद दिल्ली में एक अतीक के रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन इस जानकारी के ऊपर जब यूपी एसटीएफ दिल्ली में छापेमारी के लिए पहुंची उससे पहले ही मुखबिरी हो गई और उसकी का नतीजा रहा कि असद और गुलाम मोहम्मद वहां से भागने में सफल हो गए। वरना जो एनकाउंटर आज झांसी में देखने को मिला है ये एनकाउंटर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता दिनकर। जी राहुल, तो क्या इसका डर अब माफिया अतीक अहमद के चेहरे पर देखने को मिलेगा? अतीक को इसकी खबर मिली होगी अभी तक? अभी अभी अतीक और अरशद की कोर्ट में पेशी चल रही है। राहुल आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी दिनकर जी बताइए। सर अतीक के बेटे अरशद का एनकाउंटर हो गया सर, यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी कामयाबी है, सही बात है। देखिए काफी दिन से तलाश की जा रही थी और कानून से बचते हुए ये लोग कर रहे थे और हो सकता है कि कोई षड्यंत्र कर रहे हो, साजिश कर रहे हैं या कोई अन्य वारदात करने की फिराक में हो। ऐसे में एसटीएफ को काफी कामयाबी मिली है, एक दूसरा शूटर भी मारा गया है साथ में, तो जाहिर सी बात है किसी गलत इरादे से वहां थे और उनका एनकाउंटर हुआ है। सर खबर सामने आ रही है कि सर असद के पास से सर विदेशी गन और राइफल भी बरामद हुए सर, तो क्या असद पूरी तैयारी में था कि किसी भी वक्त हमारा एनकाउंटर हो सकता है, हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे? नहीं नहीं, ये अपनी देखिए दो तरीके की तैयारी ये लोग करते हैं क्रिमिनल जी। पहली तो ये है कि अपनी खुद की सुरक्षा और दूसरे अपने दुश्मन को मारने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो हर क्रिमिनल करता है, अच्छे क्रिमिनल तो अच्छी वेपन लेके चलते हैं जी, छुपा के चलते हैं। तो सर जो इतने दिनों से खबर चल रही थी सर कि शायद 5 शूटर और असद नेपाल चला गया हो, प्रदेश से देश से बाहर चला गया हो, इन खबरों की सर क्या तह थी सर? आखिर इतना देर कैसे लग गया सर?
देखिए नेपाल जाना और आना कोई ज्यादा दूर थोड़ा ही है जी। नेपाल जो है ट्रावर लोकेशन वगैरह कुछ मिली होगी उनके फोन वगैरह का, जिससे की शायद संभावना व्यक्त की गई होगी या किसी मुखिया ने बताया होगा, तो उस आधार पर एक कयास लगाया गया, अंदाजा लगाया गया, और वो अंदाजा हो सकता है कि उस समय वो वहां रहे हो, उसके बाद में इनका मूवमेंट इधर आ गया हो। क्रिमिनल्स तो बड़ी फास्ट मूवमेंट करते हैं जी। सर हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राहुल शर्मा भी जुड़े हुए, सर वो आपसे सवाल करेंगे। राहुल ओवर टू यू। ओपी सागर जी नमस्कार, आपका पूरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, बहुत बड़े जिलों में आपकी तैनाती रही है, और अतीक अहमद हों या मुख्तार अंसारी जैसे ये माफिया हों, इनको इनके जिन जिलों में इनका वर्चस्व रहा है वहाँ भी आप तैनात रहे हैं, तो आपकी निगाह में जो कार्रवाई UPSTF ने की है तो कितना मानते हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई पहले भी कभी इन इन माफियाओं के खिलाफ की गई थी क्या? बहुत माफिया UPSTF ने काफी जगह जो है एनकाउंटर्स किए, बॉम्बे जाके तक एनकाउंटर्स हुए हैं और बाहर यूपी के बाहर भी एनकाउंटर्स हुए, इत्तेफाक से यूपी के अंदर ही है। और ये मैं जानता हूँ, देखिए अलाहाबाद भी रहा हूँ, अतीक को गिरफ्तार भी एक बार किया था मैंने, और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी के मऊ में भी रहा हूँ, तो देखता हूँ कि इन लोगों के जो वहाँ पर दबदबा है और जिस तरीके से वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको देखते हुए पुलिस सतर्क तो रहती है, और उसके अलावा कभी कभी सुराग नहीं मिलता है। SCF के पास में क्या है कि निगरानी के जो गैजेट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जिसको भी वो उपयोग करके, और वो लगातार मॉनिटर उसी काम पे करते रहते हैं। जिला पुलिस को तो सैकड़ों काम है, इसलिए वो इतना नीचे पड़ के जो है परसू नहीं कर पाती है किसी की लोकेशन या, तो इसलिए उनको कामयाबी मिल जाती है, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स पे ही काम करते हैं, इसलिए बड़े क्रिमिनल्स पे ही जाते हैं, कामयाबी हासिल होती है उन्हें। तो बाकी तो जो है जिला पुलिस छोटे छोटे क्रिमिनल्स को भी काम करती है ना, गिरफ्तार करती है, अगर मौका ऐसा होता है कि एनकाउंटर का होता है तो वो एनकाउंटर भी करती है। तो लेकिन STF का काम तो देखिए है ही, स्पेशल टास्क फोर्स है, लिहाजा स्पेशल टास्क ही करेगी। जिस तरह की ये पुलिस का एक्शन हुआ है, इसका कितना असर बाकी के जिलों में बढ़ते क्राइम पर पड़ेगा, कितना क्राइम कंट्रोल आपको लगता है कि इस एनकाउंटर के बाद सूबे में देखने को मिलेगा? सर बाकी जो इस तरीके के जो एनकाउंटर्स हो जाते हैं, और इस तरीके से क्योंकि जो घटना उमेश पाल के हत्याकांड में हुई उसके बाद में बहुत सरकार की शासन प्रशासन की चीची चीचा लेदर हुई, थ्रुतु हुई, तो अब उसके बाद ये जो एक्शन हुआ तीसरा एनकाउंटर है की कड़ी में, और मैं समझता हूँ कि अब जो है अपराधी जो है खासतौर से बड़े अपराधी, उनके मन में जरूर दहशत हो गई होगी कि उनका अंत भी यही होगा अगर उन्होंने तो समय रहते हुए अपना रवैया ना बदला। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, छोटे अपराधियों पे अभी उतना असर इस बात का नहीं होगा इस एनकाउंटर का, लेकिन फिर भी एक दहशत उनके मन में जरूर होगी कि अगर कभी उनको इस तरीके से जो है अपराध में बढ़ते देखा गया तो हो सकता है कि उनका भी अंजाम यही हो, तो इसलिए उनमें भी दहशत होगी, लेकिन बड़े अपराधी में तो निश्चित रूप से बहुत भयंकर दहशत होगी। दावा किया था कि अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और कल खुद अतीक ने भी अपने बयान में मीडिया को दिए बयान में ये बात स्वीकार करी थी कि मिट्टी में तो मैं मिल चुका हूं और अब रगड़ा जा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में अतीक रगड़ा जा चुका है, या जैसा कि बयान कल अतीक उमेश पाल की माता जी का आया था, उनका कहना था कि अभी अतीक अहमद और उसके गुर्गे मिट्टी में नहीं मिले हैं, तो आज का जो एनकाउंटर हुआ है, अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा गया है, उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड शूटर गुलाम मोहम्मद मुठभेड़ में मारा गया है, तो क्या लगता है कि अब उमेश पाल के परिवार को कुछ राहत महसूस हो रही होगी? हाँ, काफी संतोष मिला होगा, क्योंकि देखिए उनका परिवार का वो व्यक्ति जो कि काफी हद से सक्रिय होकर और अतीक को मोर्चा ले रहा था, अतीक और उसके गुर्गों का, तो उसको उस परिवार को तो जरूर काफी राहत मिली होगी, और लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी बहुत सारे गुर्गे बचे हुए हैं, इसलिए
बहुत ज्यादा उनको बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। उमेश पाल के परिवार को अभी भी सजग रहने की जरूरत है। वो बदले की भावना से प्रतिशोध जो है ऐसा चीज है जिसके बारे में सोचता रहता है आदमी। तो ये बहुत बड़ा जो है झटका अतीक अहमद को मिला है। और जो अतीक अहमद उसका पूरा परिवार जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा आक्रोश में होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। और उस गुस्से का जो भी परिणीति है वो यही होगी कि कहीं ना कहीं बदला निकाला जाए। तो सर इसके लिए देखिए, तो सर आपको क्या लगता है इसके लिए कहीं ना कहीं चाहे उमेश पाल की पत्नी हो, चाहे उमेश पाल का और बाकी परिवार के लोग हों, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? या इससे पहले राजू पाल हत्याकांड में राजू पाल की पत्नी है, उनकी सुरक्षा को सरकार को और बढ़ाना होगा? क्या क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने स्वयं स्वीकारा के निश्चित तौर पर अतीक अहमद को बहुत बड़ी चोट लगी है, उसके गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो रिएक्शन वो जरूर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व बनता है कि इस केस से जुड़े जितने लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगी सरकार? सर बिल्कुल सुरक्षा में बढ़ोतरी करनी चाहिए। देखिए राजूपाल की हत्या के बाद में और उनकी पत्नी को विधायक हो गई, विधायक होने के बाद में उनको उन्होंने पार्टी दल बदला, लेकिन खतरा तो बरकरार रहा, लेकिन उस लेवल का खतरा नहीं था। इसी प्रकार से उमेश पाल की पत्नी जो है बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं। राजू पाल की पत्नी तो बहुत बार तक मुकर रही, बहुत बार तक उन्होंने विरोध करते रहे और केस भी कंटेस्ट करने में काफी अग्रणी रही, लेकिन उमेश पाल की पत्नी का तो कोई उल्लेख कहीं आता ही नहीं है। तो वो तो एक तरीके से बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे है। उनको ना पुलिस को निगाह जा रही है, ना ही जो है अतीक और अतीक के गुंडों को, गुर्गों को जो है वो निगाह जाएगी, लेकिन फिर भी सजग रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा बढ़नी चाहिए। सर एक सवाल सर मैं अतीक से जुड़ा लूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा। यूपी पुलिस की तरफ से, प्रयागराज पुलिस की तरफ से सीजीएम कोर्ट में अतीक को 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर लेने की मांग की गई है। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद पुलिस अतीक से इस केस से संबंधित पूछना चाहेगी? सर देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो राहुल जी, ऐसा है कि प्रश्न तो इतने ज्यादा हैं कि उनकी लिस्ट जरूर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और उनकी टीम है उन्होंने बनाई रखी है। देखिए खास तौर से ये है कि ये जो है उमेश पाल को इन्होंने क्यों मारा इमीडिएटली, अभी कौन सी ऐसी इतने दिन बाद जो है जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से मारा, वेपन्स कहाँ से लाए, ये सारे लोग इकट्ठे कैसे हुए, तो फिर ये जो है कहाँ कहाँ भाग गए, और इसके अलावा और कितने लोगों को ये जो है अपनी निगाहें रखे हुए हैं, उनको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है प्रश्नों के पूरा बनी होगी उसको जरूर कहते हैं पूछेंगे। इसीलिए उन्होंने 14 दिन का रिमांड लिया है। कोर्ट देखिए कितने दिन का रिमांड देती है। जुडिशियल कस्टडी रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड में थोड़े बहस ज्यादा होती है, ओपी सागर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे साथ अमिताभ यश, एसटीएफ एडीजी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सर आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, धन्यवाद। सर अतीक का बेटा असद सर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। सर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? सर यूपी एसटीएफ की टीम से मुठभेड़ में असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन मारे गए हैं जी। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स बरामद हुए हैं जी। इन दोनों पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन से घोषित था और ये प्रयागराज में मर्डर में वांछित थे। बाकी डिटेल्स जो है वो हम वेट कर रहे हैं उसका, और डिटेल्स प्राप्त होते ही हम आपको अवगत कराएंगे जी। जी थैंक यू। पेच नहीं हूं। आप जिस व्यक्ति से बात
तो माफिया अतीक अहमद के बेटे अशद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, साथ ही शूटर गुलाम भी ढेर हो गया है। आपको बता दें कि लगातार ये लोग उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। एक तरीके से इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य का कहीं ना कहीं योगी सरकार में खात्मा होता सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी सदन से कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका लगा है अतीक अहमद के लिए, शायद अब तक की सबसे बड़ी झटका होगी उनके लिए, क्योंकि आज उसके बेटे अशद का एनकाउंटर हो गया है। साथ ही शूटर गुलाम 5 लाख के इनामी थे दोनों, झांसी में यूपी एसटीएफ ने दोनों को मार गिराया, दोनों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के झांसी में एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर में अतीक के बेटे अशद और शूटर गुलाम ढेर हो गया है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मौके से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक तरफ जहां अतीक और अशरफ की कोर्ट में सुनवाई हुई है, थोड़ी देर में फैसला आना है, तो दूसरी तरफ उसके बेटे अशद का एनकाउंटर कर दिया यूपी एसटीएफ ने। आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अखिलेश यादव के जवाब देते हुए कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, पनपने नहीं दूंगा, और इसी कड़ी में आज एक और एनकाउंटर सामने आई है। लगातार जिन खबरों पे लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अशद नेपाल चला गया है, अशद देश से बाहर है, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ ने ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में यूपी पुलिस अतीक और अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। पहले अतीक के बहनोई अखलाक, उनकी बहन आयशा नूरी, उसके बाद अब उसके बेटे अशद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे से जुड़े हुए, जहां आज अशद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।